अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़माने में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच कमेंट करने का, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और सारिम के कपड़े भी दिखाए जी। सारिम के मैं कर रही हूँ कपड़े सिलाई, तो ये देखे जी, ये है एक सारिम का सूट। तो क्योंकि शलवार कमीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, तो एक है ये वाइट, ये पाशा का था और पाशा के कपड़ों से बचे हैं, तो ये अभी सही नहीं सिलाई तो लगाई। तो जी ये है, प्रेस करेंगे तो फिर दूसरे चैनल पे आपको दिखाएंगे। तो ये पिछले साल के कपड़ा ला के रखा था, मैंने कहा अब छोटे हो जाएंगे, अगले साल अल्लाह पाक ज़िंदगी रखेगा तो सी दूंगी। तो अब मैंने कहा चल ईद पे पहन लेगा, पैंट शर्ट के बाद पहन लेगा, पहले शलवार कमीज वाइट पहनेगा। मुसलमान है, पहले हम शलवार कमीज पहनेगा फिर उसके बाद पैंट शर्ट पहनेगा। पैंट शर्ट हमारा लिबास तो नहीं। तो जी सबसे पहले तो शेम ऑन यू उन लोगों को जो खुद बेगर्दियाँ कर रहे हैं, अपनी बीमारी पे पैसा कमा रहे हैं, अपनी बीमारी को इतना शो ऑफ करके जलालत खुद कर रहे। और वो जिस तरह अली भी अपना सब कुछ बता रहा था, मेरा ऐसे लुक में दे रही थी, बीमारी आना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मुकम्मल सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। हम तो कमियों के मारे हुए लोग हैं, किसी को कोई तकलीफ़ है, कोई किसी बीमारी में है, कोई किसी बीमारी में। आप अच्छे भले जवान बंदे का जाकर टेस्ट करवाएँगे ना, किसी न किसी बीमारी में ज़रूर होगा। तो अपनी बीमारी को खुद से एक्सपोज करना, खुद से जलालत करना और वो अल्फाज यूज़ कर जाना जो हमें खुद शर्म आती है। अपनी फैमिली में वो बात करते बंदा शर्मिंदा होता है, शर्म करता है कि ये कौन से अल्फाज है। एक मर्द ऐसे बैठ के अल्फाज बोल रहा है, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कमेंट भी आया था कि ये ना इनका फैमिली प्रॉब्लम है, तो इसको चाहिए था कि पहले अपना शादी से पहले करवाता और फिर शादी करता। तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं होता, मेरी जो सिस्टर उनकी शादी हुई, इतने ख़ानदानी लोग हैं, वो भी वो बाजवे हैं, तो उनकी दो मतलब बहन भाई हैं, उनकी औलाद नहीं है, तो जो है माशाल्लाह तीन है उनकी औलाद है। ये कोई ज़रूरी बात नहीं होती ना, सभी ऐसे होते हैं। या फैमिली मैटर की भी कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला कई दस दस बहन भाई होते हैं, सबकी औलाद होती, कई एक दो होते हैं उनकी नहीं होती, ये अल्लाह ताला की रज़ा है। वो दे के भी आजमाए और ले के भी आजमाए। तो जिस तरह ये अल्फाज अली भी बता रहा है कि अब मैं नहीं वो अल्फाज बोलूंगी, रिपोर्ट आ गई है, पहले तो कह रहा है मैंने इस तरह करवाया, मतलूबा चीज चाहिए तो मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो फिर वो बताएंगे। अगर मिल गया तो हुमैरा का ट्रीटमेंट शुरू होगा, और अगर ना मिला, ना बीवी की छोड़ रहा, ना मिला तो फिर मेरा वो। मैं आपको मामा का तकला मामा, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये आज से दो साल पहले एक्सपोज हो चुका था जी। ये इसने लोगों से रिपोर्टें भी मांग रहा था, नहीं मिली। अब उसने कहा चलो मैं दूसरी साइड पे आ जाता हूँ, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग सलाम कर रहे हैं, लोग ये। और एक बहन जिसने आपको ये मशवरा दिया, बहन ने मेरा को मशवरा नहीं दिया, आपको मशवरा दिया, डायरेक्ट मशवरा दिया। वो बहन का कोई घर में कोई वाली वारस नहीं था कि वो मर्द को कहती कि जा प्रात है जाके सारे टेस्ट करवाते हैं, प्रोसीजर कर। आप डॉक्टर की बात कर सकते हैं, डॉक्टर जो होता है ना वो औरत हो मर्द हो वो आपका मौलज है। और जो शरा के शर्म नहीं है, हर चीज़ छुपानी नहीं चाहिए, वो भाई साहब वो इस बात में होता है। अगर आप डॉक्टर के पास गए हैं, आप डॉक्टर से अपनी बीमारी नहीं छुपा सकते। वो कहते हैं ना पंजाबी की बहुत बड़ी मिसाल है, दाइयाँ को ढेड नहीं लुक दे, कि आप अपने वकील से अगर खुदा ना खास्ता आपने कोई जुर्म किया है, आप वकील के पास गए आप छुपा रहे हैं, वो आपका केस कभी नहीं लड़ेगा। वो जाते वकील पहले कहता है मुझे अपना केस बताओ कि तुमने ये जुर्म किया है कि नहीं, फिर मैं उस नौयत पे लेके केस को चलूँगा कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ कि नहीं बचा सकता। इसी तरह हमारा डॉक्टर है, कोई दाई है, तो ये अल्लाह ताला माफ़ करे, माफ़ करे, माफ़ करे भाई। हम लोग तो ऐसे लोगों को देखने वालों की बात करते हैं, यकीन करें
फिर लोगों को तकलीफ, कुछ लोग कह देंगे जी आप अपनी बातें करते हैं। इंसान अपने ख़ानदान से सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, फिर प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद आप अपने ख़ानदान से बड़ा कुछ सीखते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से, दादियों नानियों से, वालदैन से। तो आजकल तो आपको पता है हर घर में वॉशरूम हर चीज़, लेकिन जो एक वक्त था जब लोग बाहर जाके वॉशरूम, औरतें मर्द किया करते थे खेतों में, जिस तरह गाँव के होते हैं रवाज हुआ करता था, वॉशरूम नहीं होते थे। तो मेरी दादी जान मतलब गाँव के रहने वाले लोग थे, तो वो कहा करते थे कि हम लोग वहाँ मतलब जाके वॉशरूम नहीं बैठते थे कि कहीं गैर मर्द ना उतर जाए, इससे गुजर जाए, कि हमारी इतनी इज्जत है। तो ये हमारे बड़े बुजुर्गों की बातें हैं, जो बिल्कुल अनपढ़ लोग थे जिनको पता भी नहीं था स्कूल क्या चीज़ है। तो ये अल्लाह का बंदा ऐसे लेके बैठ गया। हाँ जी मामा, उसने पूरी पूरी, आपने तो वो वीडियो नहीं देखी जिसमें वो कह रहा है मेरी रिपोर्ट का वेट करना, फिर कह रहा है जी मेरी रिपोर्ट आ गई है, उनको मतलूबा चीज़ नहीं मिली। तो अब मेरी वैरी को सील करेंगे। फिर उसके ज़रिए डॉक्टरों ने कहा अगर तुम्हारा वैरी को सील कर लिया ना, तो फिर उसके बाद 50% चांस है कि तुम्हें, हाँ जी, IVF के बगैर ही तुम मतलब प्रेगनेंसी। वो कह रहे मुझे लोग सलाम करने के लिए, भाई आप सोशल मीडिया पे आपने इधर आके सारा कुछ बता दिया, ये भी ना आपको ना बताते, आप पागल थे, आप इधर बता रहे हो बैठ के। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे। ये अल्फाज अच्छे नहीं है, ये बीमारी अच्छी नहीं है, ये बात बतानी अच्छी नहीं, ये शर्म वाली बात है, ये एक हया वाली बात है। लोगों की बेटियाँ भी आपकी वीडियो देख रही हैं, लोगों के बच्चे कुआरे भी आपकी वीडियो देख रहे हैं। आपने तो खोल कर सारा कुछ ही रख दिया, आप शादीशुदा लोगों को सिर्फ वीडियो दिखा रहे हैं, आपकी वीडियो पूरा ज़माना देख रहा है, जिसमें बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, कुआरे भी हैं, शादीशुदा भी हैं, एक फैमिली के लोग बैठ गए। तो यहाँ पे आना है, बाजवा हॉस्पिटल आना है और ऑपरेशन होना है इनका जी, वैदिक सेल का ऑपरेशन होना है, फिर उसके बाद इनका। अच्छा, जब इनकी वीडियो चल रही है तो घर में 8-10 बंदे बैठे हैं, उनमें कुआरे, बच्चियां, बच्चे, सारा कुछ, तो आपने तो खोल के सारा कुछ रख दिया, अगलों को नंगा एक दूसरे के सामने कर लिया। कोई बाप बैठा है, कोई भाई बैठा है, कोई बहन बैठी है। जब इंसान ऐसी बात करता है तो दिमाग कहाँ जाता है इंसान का। बंदा 100 बार सोचता है अपने घर में अपने मर्दों के सामने बात करते हुए, औरतें और औरतें औरतों के सामने, अपने घर की औरतें माएँ बहनों के सामने मर्द बात करते हुए शर्माते हैं, कि बाजू का ऐसे होते हैं बाहर ऐसे होते हैं, तो जो मर्द हैं आपस में तो बैठ कर बात करें, कभी भी औरतों के घर की औरतों के सामने वो नहीं बात करते, कहते नहीं ये गलत बात है। तो अपने घर की औरतों के सामने या कोई भी औरत उसके सामने हम ये बैठ के बात करें तो हद ही हो गई है। वैसे अगर आप जो लोग सलूट कर रहे हैं, जो सलाम कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मैं उनको कहती हूँ अल्लाह ही हाफिज़ उनका। बड़ी दुनिया बीमारियों में होगी और बड़ी दुनिया भाग भी रही होगी इलाज में, क्योंकि इलाज अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं दुनिया पर बनाई जो जिसका इलाज ना हो, पहले इलाज आया फिर बीमारी आई है। तो यहाँ जी मुझे एक मेरी बहुत प्यारी आपा जी, उनका कमेंट आया, अगली वीडियो आपने प्लीज़ देखनी है कि मैं वो वीडियो किस तरह बनाती हूँ। तो मैं उन सलूट करती हूँ उनको कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा हमारे चैनल को और उन्होंने एक कमेंट किया। तो मैं देखें हमारे जो वीडियो पे कमेंट करते हैं ना, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। हम लोग किसी का ऐसे झूठे से साथ नहीं देते। हाँ जी, हम लोग कोई भी हो जी, झूठ झूठ और सच सच ना, हमारी अलीवीर के साथ कोई जाती लड़ाई है ना, हमारी शादवीर के कोई साथ रिश्तेदारी है। देखें अगर कोई हमें शादवीर के खिलाफ मतलब बात करेगा ना, फिर हम लोग उसकी बात सुनेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ना हमारा कहते ना, ना वो मामे दा पुत्र है, ना वो मामे दा पुत्र जी। तो वो अगली वीडियो पे मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या मैसेज किया है, कमेंट किया है। और उन्होंने पहले मुझे थोड़ा सा पता चला था, लेकिन अभी मैं अगली वीडियो में आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या कमेंट किया और मैं उस पर आगे क्या वीडियो बनाती हूँ। अभी तो मैं ये बात कर रही हूँ ना, अब ये कमाई का बन गया। वो जिस तरह वो समीर बच्चा गिरा था तो पूरे खानदान ने कैमरे पकड़ लिए थे। अब कल इनके घर से आया है अलीवीर ना ऑपरेशन करवा के, पीछे आसिया और उसका मियाँ गए। या तो फिर वीडियो ना बनाओ, चलो जिसका इलाज चल रहा है वो वीडियो बना रहा, पीछे वो मियाँ बीवी आ गए, उन्होंने कैमरा पकड़ लिया, वीडियो बना लिया। अब पीछे महविश अम्मा जी आ रही है और महविश कह रही है वो अब उन्होंने भी लगाया होगा ज़रूर, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं नहीं देख सकी। तो अम्मा जी मेरे वालों भी पूछना चाचू नू, तो असी आवेंगे, वो आन वाले ने। अच्छा जी, अब वो कैमरा लेके आ जाएंगे वीडियो बनाने के लिए। उधर उस्मान और उस्मान की अम्मी आए थे, उन्होंने भी ज़रूर वीडियो लगाई होगी। तो ये व्यूज़ का चक्कर नहीं तो क्या है, बीमार तो बड़ी दुनिया है,
बड़ी 100 लोग बीमार है, औरतें भी बीमारियों में होंगी, मर्द भी बीमारियों में होंगे। नहीं कह रहा, उसके बाद मुझे इंस्टा पे बहुत ज्यादा मैसेज आए, कई भाइयों ने कहा भाई हम भी इसी बीमारी में मुब्तला है, आपने तो हम कर नहीं रहे थे, ये पहला कतरा तो गिरा है। हाँ जी, तो ऐसे भी हम चैनल बनाने हैं सारे, ते आके सारे जमाने नु दसने हैं के क्या मर्द के होते हैं पुरजे और क्या औरतों के पुरजे होते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला माफ करे माफ करे। बस दुनिया ना, मैं कहती हूँ हम लोग इसी वजह से मना कर रहे हैं कि जब बुराई इतनी आम हो जाएगी ना, हमारी आने वाली नस्लें कभी फ़र्क नहीं कर पाएंगी कि बुराई क्या है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ आम हो जाती है ना फिर उसको बुरा नहीं समझा जाता। तो जिस तरह इन्होंने इस चीज़ को लेके, और अलीवीर बात कर रहा था, हमेरा उसको बात नहीं करने दे रही थी, दूर बैठी हर बात में लुकमा दे रही थी। स्ट्रॉन्ग लेडी है ना वो, स्ट्रॉन्ग लेडी, और ये बंदा और भीगा बिल्ला बना उसके सामने, तो वो तो और स्ट्रॉन्ग हो गई। जिस तरह ये कह रहा हमेरा को हो गया तो उसका नहीं मेरा, हाँ बिल्कुल ये बातें सही है कि कोई भी इंसान कोई बीमारी या कुछ भी लेके दुनिया पे आता है तो उसका कोई इस चीज़ में नहीं है, ये अल्लाह ताला की रजा है कि अल्लाह ताला ने किसी को बीमारी दी है, सेहत दी है, जो भी है। कई लोग हैं, कईयों के 10-10 बच्चे पैदा हो जाते हैं उनके पीछे नहीं लगते, कईयों के 1-2 होते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं। ये तो हमारे रब की मर्ज़ी है ना, वो किसी को दे के आजमाता है, किसी से ले के आजमाता है। सॉरी जी, हमें शेम ऑन यू करने के लिए ना, ज़रा जाओ थोड़ी मेहरबानी, थोड़ा हौसला है जे ना, थोड़ी शर्म इज्जत गैरत है जे, कोई तियाँ भैन वाले है गए जे ना, तो जाके अलवीर नु रोको कि तेरी मेहरबानी एक गंदिया गल्ला इतने ना कर। हमारे में तो ये इनको गंदी बातें कहते हैं कि ये बच्चियों के या बेटियों के गैर मर्द के मुँह से ये अल्फाज सुनने वाले नहीं हैं। तेरे ये अल्फाज तेरी बीवी के सामने जेब देते हैं, तेरे डॉक्टर के सामने जेब देते हैं, चाहे वो लेडी डॉक्टर हो चाहे वो जेंट्स हो, क्योंकि डॉक्टर जो होता है हमारा मसीहा होता है। तो आप जाके अगर ऐसी बातें ना हो तो कई जगह पे बच्चियों के साथ ज्यादतियाँ कर लेते हैं डॉक्टर, अगर ये बेगैरतियाँ ना हो तो, अगर सारा कुछ ऐसे चल रहा हो तो, हम अंधे तो नहीं, हम पागल तो नहीं, हमें हर चीज़ का पता है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, तो हमें याद रखेगा, अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा किस पे है और किन्होंने कमेंट किया। तो जी अल्लाह हाफिज़।